नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपका मंथली राशिफल, मंथली फॉरकास्ट। और खास तौर पे आज मैं बात करूँगा कैंसर राशि के बारे में कि कैंसर राशि में जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, परिवर्तन हुए हैं, वो किस तरह का प्रभाव डालेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि आप मेरे साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, यानी कि फेसबुक पर मेरा एक लाइव प्रोग्राम जन्म कुंडली से रिलेटेड आता है, जो हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से है। एवरी वेनेसडे इवनिंग एट 8:30 PM to 9:30 PM एंड यू कैन टेक पार्ट इन दिस शो। और आपको निश्चित तौर पे आपके जो सवाल हैं, आप कमेंट करते हैं, कई बार सवाल होता है तो आपको सीधा सा जवाब चाहिए होता है, कई बार मैं आपकी ईमेल्स नहीं पढ़ पाता हूँ या आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक और रास्ता ढूंढा जाए। तो ये रास्ता है कि आप फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलो अब हम वापस आएं कैंसर राशि के बारे में। आखिर कैंसर राशि में जो स्थितियां हैं वो किस तरह से इस महीने में, मंथ ऑफ मई में आपको प्रभावित करेंगी। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो मेरे सामने जो कुंडली है आपकी, जो बनी है जिसको हम कहते हैं मंथली कुंडली, ईयरली चार्ट जो है 1 मई को शुरू होगा, उसमें राहु आपकी राशि से होंगे, गुजरेंगे। और चंद्र और बृहस्पति, जो आपकी राशि का लॉर्ड है चंद्रमा, वो आपके सुख स्थान में बृहस्पति के साथ होगा। और इस योग को हम केंद्र में जब बनता है तो गज केशी योग भी मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये गज केशी योग एक्टिव होगा उस दिन, क्योंकि उस दिन बृहस्पति की ही दशा भी चल रही होगी। साथ ही साथ मंगल और शनि आपके छठे भाव 6th हाउस में होंगे, मंगल ट्रांजिट करेंगे और आपके 7th हाउस में आ जाएंगे मंथ ऑफ मई में, अर्ली 1st वीक में ही आ जाएंगे। और साथ ही साथ बुध सूर्य और शुक्र जो करमवार 9th, 10th एंड 11th हाउस में होंगे। तो ये स्थिति रहेगी ग्रहों की। इस समय हमें सबसे पहले देखनी है आपकी सेहत। सेहत के बारे में जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कहूंगा कि आपकी कुंडली के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि और ऊपर से राहु का प्रभाव शनि से मिला हुआ वक्री शनि के साथ, तो ये कहूंगा कि सेहत के मामले में आपको बहुत ध्यान देना होगा। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन महसूस कर रहे हैं, जिनको पेट और छाती में किस तरह की कोई दिक्कत होती है उनको बहुत ध्यान देना होगा। जिनको माइग्रेन होता है, जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया टाइप प्रॉब्लम है, स्लीपलेसनेस है, उनको बहुत ध्यान देना होगा। ये एरियाज हैं जिस जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभाव कर सकते हैं, बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अच्छी डाइट, अच्छा लिविंग, आपका स्टाइल जो है, सही समय पर एक्सरसाइज और खाना खाना और योग करना आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और स्पाइसी फूड से आपने इस महीने में पूरा ध्यान देना है कि दूर रहना है, जो आपके लिए अच्छा होगा। बात करूँ आपके संबंधों की तो संबंधों में हम देखते हैं पहले आपके दूर नजदीक के संबंध, जिसमें सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड हाउस में हम जब देखते हैं तो सूर्य की राशि है और सूर्य 10th हाउस में है, तो ये दिखा रहा है कि सेकंड हाउस की जो स्थितियां हैं वो पारिवारिक संबंधों को कहीं ना कहीं मजबूती दे रही हैं। वो दिखा रही हैं कि आपके साथ सीधा कनेक्शन जो है वो बना हुआ है। अब इसमें आप किस तरह से उसका लाभ लेते हैं, किस तरह से उसमें से आप क्या कह सकते हैं, उसका उसमें से बेनिफिट जो है आप बना पाते हैं, वो डिपेंड करता है। आप इसको बिजनेस में परिवर्तित करते हैं या इसमें प्योरिटी लेके आते हैं, ये डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिला के ये कहूँगा कि जी हाँ, नो डाउट ये संबंध जो है इस समय वो वेल बैलेंस दिखाई देते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की बात जो है वो कहीं ना कहीं दिखा दे रही है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सूर्य का राशि होने से कई बार एंगर इश्यू जो है आपको परेशान कर सकता है, तो अपने एंगर के ऊपर काबू रखें। पोलाइटनेस जितनी आपके अंदर होगी उतना ही आप बेहतरी से इन रिश्तों का लाभ जो है वो ले पाएंगे। अगर मैं आपके थर्ड हाउस में संबंधों को देखूं तो जिसमें सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो उनकी अगर बात करूं तो एक बार फिर से कन्या राशि आपके थर्ड हाउस में होगी और मर्करी उसके लॉर्ड हैं, उसको आस्पेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में यह लगता है कि आपके कंपटीशन में आपके बहन भाई खड़े होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ सकती है, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत कुछ ऐसा होगा। लेकिन आपको इस सब में एक अच्छा बैलेंस बना के रखना है। आपको अगर उनको साथ की जरूरत है तो जरूर दें, लेकिन अगर वो आपके विरुद्ध हो जाए तो धर्म युद्ध आपको करना होगा, यानी कि आपको उनके विरुद्ध खड़े रहने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। यही समय की कुछ मांग जो है वो बनी हुई है, किसी कन्फ्यूजन में ना रहे। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि आंखों देखी कानों सुनी गलत हो सकती है, कि किसी की सुनी सुनाई बातों में आपके कोई एक्शन ना लें जो आपके अच्छे खासे जो रिश्ते हैं, बहन भाई दोस्तों के रिश्ते हैं, उनको खराब कर सकता है। अगर रिश्तों के में आगे चले तो माता और पिता के सुख की बात करूं तो मैं यहाँ कहूँ पिता से आपके संबंधों में कुछ अनबन हो सकती है, कुछ कमियां जो है वो दिखाई देती हैं। शायद वही एक कारण कि आप चंचल स्वभाव के हैं और जिसकी वजह से आप गलतियां करने से पीछे हटते नहीं हैं। आप अपने
माइंड सेटअप को कहीं ना कहीं ट्यून आपको करना होगा। वहीं अगर माँ की बात करूँ तो फोर्थ हाउस अपने आप में एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि माता की सेहत जो पिछले दिनों खराब हो रही थी, धीरे धीरे करके उनमें इंप्रूवमेंट आ रही है, उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा, स्थितियाँ कहीं ना कहीं बेहतर होंगी। लेकिन क्या ये स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी, इसका यही रहेगा कि मैं हूँ तो आपकी माँ अधिकारों को लेकर या अपनी जैसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जिसको कह दिया मैं हूँ, अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करती हुई भी दिखाई देगी। तो थोड़ा सावधान रहना है, आर्गुमेंट से आपको बचना होगा, ब्लेसिंग लेते रहे, बात बन जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके फिफ्थ हाउस यानी कि आपकी संतान की बात करूँ, तो संतान में आपकी जो मंगल की राशि है, और मंगल इस समय है षष्ठ भाव में और जल्दी ही आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि वो उच्च अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। संतान भाव का मंगल उच्च राशि में जाके केतु के साथ संबंध बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में संतान और संतान से जुड़ी ही चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ चिंता का कारण बन सकती हैं। एक द्वंद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि संतान से ये समय जो है सेपरेशन का समय है, संतान के साथ किस तरह का आर्गुमेंट का समय है, संतान अपनी इच्छा से आगे बढ़ने का काम सोच रही है, मिसकैरेज के चांसेस भी इस बार बनेंगे। तो सावधानी के साथ इस महीने में आपको कोई भी, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर किसी मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ रही है तो मैं कहूँगा आफ्टर 20th of May ही आप अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा, उससे पहले शायद ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो यही कहूँगा कि संतान के मामले में संभल कर चलना, बहुत सावधानी के साथ चलना ही अच्छा होगा, जहाँ तक के मिसकैरेज टर्मिनेशन के जो टर्मिनेट करवाने तक की नौबत आ सकती है। जो लेडीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैं कहूँगा कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बच्चे का केयर करें, ताकि दोनों की आपके साथ साथ आपको एक नई लाइफ जो आपके पेट में है उसका भी ध्यान आप ही को रखना है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, खाली और खाली अपने मनोरंजन में ही बहुत ज़्यादा ध्यान ना लगा दें। जहाँ तक बात है आपसी संबंधों की, हस्बैंड और वाइफ की, ये कैंसर राशि वालों की, तो सेवंथ हाउस यानी कि कैप्रिकॉर्न केतु वहाँ पे एक छाया बैठी हुई, राहु नाम की दूसरी छाया उसको एस्पेक्ट कर रही है, और मंगल उस घर के में आ रहे हैं जो उच्च के हैं, शनि जो उस घर के एक घर पीछे बैठे हैं और रेट्रोग्रेड है। तो यहाँ संबंधों की स्थिति, आपसी संबंध, वो उसमें कई तरह की दिक्कतें जो है इस बार आएंगी। कभी आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी दिखाई देंगे, कभी आप बहुत लो हो जाएंगे, कभी आपकी बात सुनी जाएगी तो कभी आपके विरोध में ही आपका साथी खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ जो है बनकर आ रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भाई कोशिश करें इन संबंधों को सही दिशा प्रदान करने की, जितनी सही दिशा प्रदान कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस समय में आर्गुमेंट को ना बढ़ाएं, किस तरह के आर्गुमेंट से इस पूरे मंथ में आपको बच के रहना है। और ये भी ध्यान रखें कि यह आर्गुमेंट औरतों के बीच, औरतों के साथ हो सकता है, तो आपको एक न्यूट्रल रोल प्ले करना पड़ सकता है। शादी के लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए अगर आप इस समय के दौरान शादी की कोई प्लानिंग कर बैठे हैं, जब आप एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक बार फिर से इसके ऊपर विचार करें, पुनर्विचार करने से कहीं ना कहीं कोई रास्ता शायद आपको मिल जाए और जो आपके मैरिटल जो स्टेटस है, मैरिड लाइफ है, उसको खुशियां प्रदान कर सके, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो ये कुल मिला के ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान देना है। अब हम बात करें आपके घर के बारे में, आपकी गाड़ी के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके काम के बारे में। तो सबसे पहले घर और गाड़ी की बात करूँ, घर और गाड़ी में फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें देख पा रहा हूँ कि जी हाँ, कुछ झगड़े हैं, कुछ झगड़ों की बात प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, आपकी खुद की खरीदी प्रॉपर्टी को लेके कुछ चल रहे हैं, विवाद हो गए हैं, कहीं उसमें डिले हो रही है, बात मैच्योर नहीं हो पा रही है, उसकी कंप्लीशन में टाइम लग रहा है। तो इस तरह की स्थितियाँ कहीं ना कहीं होंगी। अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी तो आपको अपने शेयर के लिए लड़ना पड़ सकता है, आपको कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना पड़ सकता है, जो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही हैं। वहीं अगर आप गाड़ी आदि लेने की बात सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा जी हाँ, निश्चित तौर पे ये समय एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है, गाड़ी आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी लेके आए, सैटरडे और वेडनेसडे के दिन का को अवॉइड करें, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, जिससे लाभ की स्थितियाँ बनेगी और आप गाड़ी लेने में कामयाब हो जाएंगे, उसमें सफलता आपको मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से ये ग्रहों की स्थिति है, उससे लगता है कि आप चौपहिया वाहन लेने में कामयाब हो जाएंगे, या उससे बड़े वाहन भी आप ले सकते हैं, जिससे लाभ होगा। तो वेल बैलेंस एक तरह का बना रहेगा। अब हम आ जाएं लौट के आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी इंटरव्यू के ऊपर, आपके कंपटीशन के ऊपर। सबसे पहले मैं जॉब की बात करूँ, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर मैं उनकी कुंडली को देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, आपका अपने बॉस के साथ कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आगे जॉब ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि
अगर कहीं से जाना हो तो प्रेम से चले जाओ भाई, कई बार आपको उनकी जरूरत पड़ जाती है, रास्ते में पड़े हुए एक छोटे से तीले की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हमेशा ही पोलाइटनेस आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। और ये समय कहीं ना कहीं मुश्किल भरा समय है, बहुत सारी चीज़ें आप करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन शायद जल्दबाजी से या पूरी तैयारी नहीं है उसकी वजह से आपको लेट डाउन का सामना करना पड़ सकता है। इंटरव्यू में कहीं ना कहीं लेट डाउन आपके हाथ में लग सकता है। अपनी पूरी प्लानिंग करें, पूरी तैयारी करें और उसके बाद आगे जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि कहीं आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जिसमें आपको फर्दर फिर आगे से आगे एप्लीकेशन लगा के आगे बढ़ना पड़े, ऐसी स्थितियाँ हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, अब अगर हम उनकी बात करते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सूर्य जो हैं इस समय उच्च के 10th हाउस में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ, एक मंगल खुद भी आने वाले दिनों में अपने इस भाव को देखेंगे 4th दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जॉब में कुछ कंपटीशन की संभावनाएं बन जाएंगी, कुछ लोग हैं जो आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके कंपटीशन में आपके कलीग आपको चैलेंज करेंगे। और अगर वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक काम करना होगा, नहीं तो सूर्य से और मंगल के प्रभाव से आप जलते हुए दिखाई देंगे और कोई दूसरा ही इंसान उसका फायदा लेके निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और आपको लाभ की स्थिति मिले, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रिपेयर रहें और हर चीज़ को वॉच करते चले जाएं, तब आपकी जॉब में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उसमें जो आगे प्रोग्रेस है उसको पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक बिजनेस वालों का सवाल है, बिजनेस वालों कहूँगा कठिन समय है आपके लिए, कठिन इतना आसान नहीं है। मंगल की दृष्टि के बावजूद भी ये समय कठिन रहेगा, तो कहने का तात्पर्य है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय उधेड़ और बुन का एक चक्कर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और उसमें आप कितना सेंसिबल डिसीजन लेते हैं इस चीज़ के ऊपर सारी बात निर्भर करती है। तो लेट्स सी आप कैसे इसको करते हैं। कुल मिला के ये महीना आप लोगों के लिए कुछ चैलेंज से भरा महीना मान के चलता हूँ, जबकि कुंडली में बैठे हुए ग्रह, जिस तरह से गज केशि योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, चंद्र का, बृहस्पति का, सूर्य का और मंगल का ट्रांजिट, और इवन शुक्र जो है आपके लाभ के कारक लाभ भाव में बैठे हुए, अच्छी स्थितियाँ होने के बावजूद भी मुझे आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं दे रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना बनाएं ताकि आपको इन ग्रहों की स्थिति का पूरा पूरा लाभ जो है वो मिल पाए। जब धन की बात आती है तो अगेन सूर्य एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, धन भाव के कारक हैं, लेकिन क्या इस धन का आपको लाभ होगा? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, धन का आमदन तो बनी रहेगी। इसका मतलब कि जो ऑन गोइंग चीज़ें चल रही हैं उसमें आप बनाए रखेंगे, बस उसमें भी उलझन पैदा ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान जरूर रखना है। इस समय के दौरान आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट हो जाती है तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक सारे तथ्यों को जुटाकर आगे बढ़ना होगा, जिससे लाभ होगा। यात्रा की अगर बात करूँ तो इस समय मातृभूमि की ओर यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं माँ की तरफ हो सकती हैं, मातृभूमि की तरफ हो सकती हैं, होमलैंड की तरफ हो सकती हैं, और ऐसी यात्राओं का लाभ भी आपको हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह पर जाकर किस तरह का पिलिग्राम तो अच्छा है, लेकिन किसी झगड़े की स्थिति हो तो वहां से बचकर निकलना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिला के ये कहूँगा कि ये महीना आपको काफ़ी केयरफुली वॉचफुली आपको डिसीजन लेने होंगे ताकि आप किसी भी मुसीबत में ना उलझें। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और सेंसिबल डिसीजन बनाएंगे ताकि एक अच्छा मंथ आपके लिए बन पाए। जी, और ये मंथ आपको खुद अच्छा बनाना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी ही हो सकता है, आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह योग हों, अच्छी दशाएँ चल रही हों, उसकी वजह से आपको अच्छा लाभ मिल रहा हो, तब आपको इस फॉरकास्ट को इग्नोर करना होगा। क्योंकि हमेशा ही होता है ना कि जब कोई मैसेज आपको या आपने कोई चीज़ ले ली होती है और फिर से मैसेज आता है तो वो कहते हैं अगर आपने ऑलरेडी कर लिया तो इग्नोर करें, तो आपको फिर इग्नोर करना होगा, और अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको सावधान रहना होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में कहूंगा कि फेसबुक के ऊपर मेरे लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, रात बुधवार रात 8:30 से 9:30 UK टाइम के हिसाब से, और मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब लाइव आपके सामने। तब और मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।